Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश, मिशन अब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। और उन सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और कंटिन्यू बेसिस पे मेरा चैनल देखते हैं, वॉच करते हैं। और न्यू व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन तो जरूर ही दबा लें। तो बेल बटन वहाँ पे दिख रहा है आपको, उसको आप ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं उसका मैं छोटा सा एक आइडिया देता हूँ आपको। एक्चुअली मुझे कुछ टाइम पहले ईमेल आया हुआ था कि सर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के बारे में तो आपने बता दिया है, बट हमें कम्प्लीटली ये पता नहीं चल पा रहा कि चेकलिस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमने लगाने हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो उसी सिलसिले में मैंने एक वीडियो तैयार किया हुआ है जो कि है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर, कि आप उसके थ्रू जाकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर लें बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यू। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं। मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए मैंने एक शीट तैयार की हुई है आपके लिए ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में। ओके, तो जब आपने फॉर्म फिल कर लिया ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा का, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन, तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड तो कर दिए हैं बट उसके बाद भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बचते हैं जो कि आपको इंटरव्यू पे लेके जाने होते हैं। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेकर जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसका कन्फर्मेशन पेज आप प्रिंट कर लें, आपके ईमेल पे भी आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करके अपने एनवेलप अपने फोल्डर में रख लें। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए उसको, जब से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उसके लिए एटलीस्ट 6 मंथ का आपका वैलिडेशन पासपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट को रिन्यू कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके ट्रैवल फ्लाइट टिकट्स हैं, फ्लाइट आइटिनरी है, ये सारी आपके राउंड ट्रिप की जो भी टिकट्स हैं आपने वो अपने डॉक्यूमेंट में रख लेने हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी टिकट बुक कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। या अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके फ्लाइट टिकट्स कहाँ, आइटिनरी कहाँ पर है, तो आप ये बोल सकते हैं वहाँ पर कि I am looking for the dates right now. I am looking for tickets. Once I get visa, I'll get my tickets. तो इस तरीके से उनको explain कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ticket लेकर जाना है, okay? Okay. अगला है interview appointment letter. Interview appointment letter आपको कब मिलेगा, जब आप online अपना form fill करेंगे, fee pay करेंगे, उसके बाद आपको appointment date खुद ही select करनी पड़ती है, ठीक है। Portal में जाके जब आप मेरा, अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो जो भी स्लॉट आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपके मेल में एक लेटर आ जाएगा जो कि अपॉइंटमेंट लेटर होगा कि आपको इंटरव्यू में कब और कहाँ पहुँचना है, ठीक है। जो भी आपने काउंसलर सेलेक्ट किया है तो आपने वहाँ पर पहुँचना है ऑन टाइम, ओके। एटलीस्ट आप 15 मिनट प्रायर पहुँच जाएँ तो बेटर रहेगा, ओके। इसके बाद है ऑनलाइन और फी पेमेंट कंफर्मेशन रिसीट, जब आप ऑनलाइन फ़ी पे करते हैं तो उसके बाद आपके ईमेल में एक डिटेल आती है कि आपने ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर दी है, कि इतना डॉलर आपने फी सबमिट किया है, तो उसको भी आप प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट में रख लें, अपने फाइल में लगा लें उसको, ठीक है। और इसके बाद है इफ़ यू आर एम्प्लॉय यू विल नीड लीव सेंशन लेटर फ्रॉम कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको
ऑफिशियली एक लेटर लेना पड़ेगा अपनी कंपनी से कि आप लीव पर हैं, आपको वेकेशन दी जाती है, आपको लीव दी जाती है, ठीक है, और आप कंपनी में कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक लीव सेंशन लेटर अगर आप अपने मैनेजर से, अगर आप खुद मैनेजर हैं तो सीईओ से, या फिर जो भी आपकी हायर अथॉरिटी है उनसे आप लीव सेंशन लेटर हो सके तो कंपनी लेटर हेड पर लेने की कोशिश करें, ओके। इसके बाद है कवर लेटर एक्सप्लेनिंग पर्पज ऑफ विजिट, ओके। कवर लेटर होना ज़रूरी है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। कवर लेटर में क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किस डेट पे जाएंगे, आपके कंपेनियन कौन कौन हैं, आप जो भी एक्सपेंसेस हैं कौन बेयर कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको उस कवर लेटर में फिल करनी है। अगर आपको कवर लेटर रेडी करना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा और उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि कवर लेटर कैसे प्रिपेयर करें, ओके। नेक्स्ट है अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया, होटल बुकिंग्स अगर आपकी कोई है, अगर आप अलोन जा रहे हैं, कोई रिलेटिव्स वहाँ पे नहीं हैं, फ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको होटल बुकिंग शो करनी पड़ेगी, बट ये मैंडेटरी नहीं है। वंस यू गेट योर वीज़ा तो आप उसके बाद भी होटल बुकिंग कर सकते हैं, बट ये आपके ज़रूरी होनी चाहिए। इवन अगर आपने अभी इंटरव्यू में नहीं शो किए, बट ये आपसे पूछा जाएगा जब आप माइग्रेशन में जाएंगे, ठीक है। तो होटल बुकिंग आप खुद कर लें, कोशिश करें कि चीप होटल बुकिंग करवाएं ऑनलाइन, अगर आप खुद कर सकते हैं खुद सर्च करके, ठीक है, makemytrip.com से भी आप ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको इजीली होटल बुकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि होटल बुकिंग कैसे करना है चीपली तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद है डे टू डे ट्रेवल प्लान्स इफ यू कैन प्रोवाइड। अगर आप ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहे हैं तो सपोज आप 7 डेज के लिए विजिट कर रहे हैं, तो 7 डेज में आपका रूटीन क्या होगा, आप कौन से स्टेट से, कहाँ, कौन से प्रोविंस में या फिर कौन से सिटी में आप विजिट करेंगे। अगर आपके पास कोई फ्लाइट टिकट्स हैं, आइटिनरी है, आपने बुक की हुई है, तो उसकी अगर आप डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें तो वो भी बेटर है। अगर नहीं अपने टिकट्स बुक की हैं तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आप उनको एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं जो कि आप कवर लेटर में एक्सप्लेन करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में घूमने जाएंगे, ठीक है, मेलबोर्न की, ठीक है, फिर उसके बाद आप कौन से सिटी में जाएंगे, सारे एक्सप्लेन करके आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी बहुत मैंडेटरी हैं, आपने ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका, जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, PCC, आप पासपोर्ट ऑफिस से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 500 रुपीज़ आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, और अपने नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस से विथिन 1 डे आप अपना PCC कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसके लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट की पासपोर्ट वेबसाइट में जाना पड़ेगा, और पासपोर्ट वेबसाइट में जाके, पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट में जाने के बाद आप अपना आईडी क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसमें आईडी कैसे क्रिएट करना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ टू गेट PCC, ठीक है। इसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 1989 से ऊपर के बॉर्न हैं, लेटर बॉर्न हैं, तो अगर 1989 से पीछे के बॉर्न हैं तो उस केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिपेंड करता है आपके। कुछ केसेस में 1986 को भी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप और चेक कर सकते हैं कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर ज़रूरी है कि नहीं है, अदरवाइज़ आप अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट कॉलेज का सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं जिसमें आपका बर्थ मैच करता हो और आपके जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उससे वो बर्थ डेट मैच करती हो, ओके। नेक्स्ट है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं उम्मीद करता हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो, क्योंकि ये मैरिज सर्टिफिकेट आपको हर जगह काम आता है, ठीक है। तो मैरिज सर्टिफिकेट आप अपना रख लें यहाँ पे। इसके बाद है हेल्थ स्टेटस डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट।
हेल्थ स्टेटस जो डॉक्यूमेंट है ये आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, किसी फिजिशियन से आप अपना डॉक्यूमेंट ले लें कि आप फिट हैं, फिट फॉर वो यू नो ट्रैवल, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके हॉस्पिटलाइज्ड हो गए तो वहाँ पे बीमार पड़ गए तो आपका टेक केयर कौन करेगा, ये वहाँ की गवर्नमेंट पे बर्डन आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आप टूरिस्ट हैं तो उनको तो टेक केयर करना ही पड़ेगा, बट वो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई बर्डन उन पर ना पड़े, तो इसीलिए आपसे ये डॉक्यूमेंट, हेल्थ स्टेटस डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट लिया जाता है। तो कोशिश करें आप किसी डॉक्टर से भी ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल से अपना हेल्थ चेकअप करवा के डॉक्यूमेंट ले लें, ठीक है। बिजनेस डॉक्यूमेंट, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, अपना बिजनेस रन करते हैं, तो उस केस में आपको अपना बिजनेस डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि आपके टेन नंबर है, पार्टनरशिप डिटेल्स है, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपके रिलेटेड हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर आप टैक्स पे करते हैं, इस केस में टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म 16, 3 ईयर्स का टैक्स रिटर्न की जो भी डिटेल्स हैं आपने वहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे वहाँ पे वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, ताकि उनको ये ना लगे कि ये बंदा फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड है, ये सब चीज़ें। तो आप कोशिश करें कि जितना भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे शो कर सकें वो बेटर है। इसके बाद है टैक्स डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिटर्न आपने फाइल की हुई है तो आप अपना टैक्स डॉक्यूमेंट जो भी 3 ईयर्स के हैं वो आप सबमिट करें वहाँ पे, ठीक है। अगला है आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आपका ऑलरेडी है, इफ़ स्टूडेंट कॉलेज आईडी कार्ड, इफ़ रिटायर रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कार्ड्स कोई है आपके पास, पेंशन का कार्ड है सॉरी, तो वो आप वहाँ पे शो करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। कोशिश करें कि ये चेक कर लें कि आप वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं सब में आपके नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सेम हो, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि मैं खुद देखा हुआ है, आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, पैन कार्ड में एड्रेस कुछ और है, वोटर आई डी में एड्रेस कुछ और है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, बंदा है या फिर एक बंदा है या कितने बंदे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आपका आईडीज़ में आपके एड्रेसेस सेम होने चाहिए, ठीक है, अगर आपके दो आईडी में सेम हैं तो तीसरा आईडी में नहीं है तो तीसरा आईडी छोड़ दीजिए, अगर आप उसे करेक्ट कर सकते हैं तो आप उसे करेक्ट करके लेकर जाएं, ठीक है। बट कोशिश करें कि सारे आईडी कार्ड्स मैच करते हैं आपके एड्रेस से, सब चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद है इफ़ यू आर एंगेज यू विल नीड अर एंगेजमेंट प्रूफ लाइक फोटोग्राफ्स, रिंग सेरेमनी प्रूफ्स, ठीक है। अगर आप इंगेज हैं, अपनी वाइफ के साथ जाना चाहते हैं, ये मुझसे एक व्यूअर ने पूछा था कि सर वी आर एंगेज हाउ वी कैन ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, तो इसके लिए मैंने उनको बताया था कि अगर आपके पास इंगेजमेंट की कोई प्रूफ है, ठीक है, जैसे कि फोटोग्राफ्स होती हैं, रिंग सेरेमनी की कोई वीडियोस हैं, तो आप उसे शो कर सकते हैं कि वी आर एंगेज एंड वी आर गोइंग टुगेदर, ओके। इसके बाद है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपके फाइनेंस रिलेटेड हैं, कॉपीज ऑफ बैंक स्टेटमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शोइंग द कंसिस्टेंट सेविंग हिस्ट्री, ठीक है, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट विच शोज एनी अदर फंड और एसेट, ठीक है, जैसे टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स लास्ट 3 ईयर्स, अगर आपके पास FD है, कोई स्टॉक्स हैं, ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट है, कुछ भी चीज़ें आपकी फाइनेंस रिलेटेड हैं, लिक्विड है या कैश है, ठीक है, अपना सेविंग अकाउंट शो कर सकते हैं, ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपको ये शो करना है कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपके जो टूरिस्ट वीज़ा कैंसल्स होते हैं, कैंसिल होने का रीज़न ये है कि आप अपने इंटरव्यूअर को, काउंसलर को ये अश्योर नहीं करवा पाते हैं कि आप अपनी कंट्री, होम कंट्री वापस आएंगे। तो आपने इंटरव्यूअर को यह अश्योर करवाना कि आप अपनी कंट्री वापस आ जाएंगे, तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो इन केस आपका, दैट केस आपका वीज़ा होल्ड पे रखा जाएगा, आपका इंटरव्यू होल्ड पे रखा जाएगा सबसे पहले,
आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ठीक है। इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। इफ़ यू आर रिटायर्ड, एविडेंस ऑफ योर रिटायरमेंट, मैंने जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया था। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, एविडेंस ऑफ योर एनरोलमेंट सच एज लेटर फ्रॉम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेक्शन सी में इसके बाद है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर माइनर, अगर 18 साल से कम के एज के बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बोथ पेरेंट्स करंट पासपोर्ट कॉपीज, ठीक। और अगर आप लेस देन 18 ईयर हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो मदर फादर या पेरेंट्स का कोई भी एक लेटर होना चाहिए जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हो कि लड़का ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहता है और हम इसे इसकी इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ बोथ पेरेंट्स ऑन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक, ये जो माइनर हैं उनके लिए है, ठीक है। इसके बाद फोटोग्राफ, देखिए फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट क्या है, 35 mm to 45 mm वाइड एंड 45 mm to 50 mm हाई, ठीक है। तो ये आपका देखो ये जो पिक्चर दिख रही है चेक ग्रीन वाली, ये करेक्ट पिक्चर है। ये देखिए फेस थोड़ा सा हाइड कर रखा है इन्होंने, तो इसमें ये पिक्चर जो भी रेड में दिख रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट गलत है, ठीक है। और जो पिक्चर फॉर्मेट सही है वो ग्रीन में, देखिए आप उसको और ध्यान से देखिए, ये देखिए देखें स्ट्रेट होना चाहिए, देखें इन्होंने गर्दन थोड़ा झुका रखी है, इस तरीके से आपका पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पिक्चर का आपको आइडिया आ गया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। और इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं divyagyaninfo@gmail.com पे। मैं आपके ईमेल्स का रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं सेम डे आपको रिप्लाई नहीं कर पाया तो प्लीज़ पेशेंस ना खोएं, मैं नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं सेम डे सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मेल करें, और मैं उन सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फिर से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें, ओके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।